सीरीज की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं तो बेशक आपने वाइकिंग और गेम्स ऑफ थ्रोन जरूर देखा होगा, परंतु मैं आपको आज एक ऐसे ड्रामे के बारे में, ऐसे वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे, चौंक ही नहीं जाएंगे बल्कि आप, मैं 101% कह सकता हूं कि आप गेम्स ऑफ थ्रोन को भी भूल जाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हाल ही में जो YouTube पे अपलोड हुआ एक टर्किश ड्रामा अर्तुगुल गाजी। उसके बारे में बात करने से पहले हम उस वीडियो को देखते हैं, उनके कुछ सीन्स को देखते हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देख। तुम्हारी मोहब्बत के चर्चे सारे जहान में गूंजेंगे। मैं जान गई हूं कि मेरा सब कुछ आप है। याद रखना कि किसी अजनबी की बेटी कभी कबीले के मयार पर पूरी नहीं उतरेगी। मुसलमान जब तक एक दूसरे के खून का प्यासा है तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी इस काम में। नफरत का जवाब सिर्फ नफरत से दिया जाता है। अर्तुगरुल गाजी ये एक ऐसा ड्रामा है जिसने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है और ये गेम्स ऑफ थ्रोन को भी पीछे छोड़ चुका है। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पर नज़र डाल लेते हैं। तो 1354 में पश्मोतर अंतोलिया में स्थापित एक तुर्क राज्य था। महमद द्वितीय द्वारा कंस्तुतियाँ जीतने के बाद यह एक साम्राज्य में बदल गया और प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद इसका विभाजन कर दिया और इस पर कब्जा कर लिया गया। सेल्जक प्रधान ने अर्तुगुल को उपहार स्वरूप एक छोटा सा प्रदेश दिया और अर्तुगुल के पुत्र उस्मान ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने आप को उस राज्य का प्रधान जो है वो घोषित कर लिया और उसके साथ साथ में अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और यहीं से शुरुआत होती है ओटोमन एम्पायर की, जो तकरीबन 1299 से 1922 तक इनका साम्राज्य रहा और उसके बाद में धीरे धीरे ये टूटता। तो बात करते हैं 13वीं सेंचुरी में पूरे देश में जब उस्मान गाजी की सल्तनत थी जिसने पूरा उस्मानी एम्पायर एस्टेब्लिश किया। अब आपको मैं ये बता देता हूँ, उस्मान गाजी जो हैं वो अर्तुगुल के बेटे हैं और अर्तुगुल जो है वो सुलेमान गाजी के बेटे रहे हैं और इन्होंने 650 साल तक उस्मानुल गाजी ने पूरे देश पर राज किया, बल्कि एक नहीं दो नहीं तकरीबन 45 देश या कहीं बताया गया है कि 54 देशों पर भी विराज किया गया। और इस ड्रामा सीरीज में इन्हीं की कहानी बताई गई। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत कहां से होती है देखते हैं। अगर इस कहानी की बात करें तो एक दिन अर्तुगुल शिकार के लिए जंगल में जाते हैं और शिकार पर तब उनका सामना रोमन नाइट से होता है जो एक परिवार को कैद कर लेके जा रहे होते हैं और अर्तुगुल गाजी से यह देखा नहीं जाता है, वो उनको रोमन नाइट से बचा लेता है और यहीं से शुरुआत होती है रोमन नाइट और अर्तुगुल के बीच में लड़ाई की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक वीडियो भी सीरीज़ की देख लेंगे तो बेशक आप इसके सीरीज से जुड़ जाएंगे और इसके सभी सीरीज़ को देखेंगे। तकरीबन 5 सीरीज़ जो इसकी रिलीज़ हो चुकी है और वेब सीरीज़ की दुनिया में इस शो को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपको ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इस सीरीज़ में गेम्स ऑफ थ्रोन की तरह ही खून खराबे की भरमार, प्यार मोहब्बत और अल्लाह की इबादत दिखाई गई है। इस ड्रामे में तलवार के साथ साथ दिमाग का भी उपयोग किया गया और ख़तरनाक पॉलिटिक्स भी दिखाई गई है। एक लड़ाई जंग के मैदान में अर्तुगुल गाजी के दिमाग में चल रही है और दूसरी लड़ाई
उनके दिमाग में चल रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए पूरे के पूरे कबीले को जान की दाव पर लगा दिया जाता है, और इस वजह से लोग धीरे धीरे जो उनके कबीले के लोग हैं वो उनके खिलाफ होते चले जाते हैं, और जो कबीला है वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होता है। और कबीले के टूटने के बाद में यहीं से शुरुआत होती है कि ऑटोमन अम्पायर धीरे धीरे जो है वो बिखरना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये इसके बारे में पूरा जानना है तो आपको ये वेब सीरीज जो है वो देखनी होगी। इसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओटोमन गाजी एक ऐसा टर्किश ड्रामा है जो पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 90 से ज़्यादा कंट्रीज में देखा जा रहा है, और ये ऐसा पहला ड्रामा है जो गेम्स ऑफ थ्रोन बिल्कुल बराबर में खड़ा हो सकता है, बल्कि बराबर ही नहीं, मैं कहूँगा कि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग गेम्स ऑफ थ्रोन को भी भूलना स्टार्ट होंगे और इस ड्रामे पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, इससे जुड़ते ही जा रहे हैं। तो ये है क्या ड्रामा, मैं आपको बताऊंगा। सच है वल्लाह, ओटोमन एम्पायर, सच है वल्लाह, ऐसा एम्पायर टर्किश एम्पायर था जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे मतलब माना हुआ एम्पायर था, जिसका एस्टेब्लिश बोल सकते हैं, जिसका फाउंडर जो थे उस्मान गाजी थे, और उन्होंने वो अकेले ऐसा राजा थे जिन्होंने तकरीबन 45 से 54 देशों पर राज किया। हम इनके साथ क्यों जा रहे हैं बाबा? कि ये जो ओटोमन एम्पायर है उसने पूरे विश्व में या पूरे देश ये हमें महल ले जा रहे हैं बेटा, 650 साल तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या आजाद हो जाएंगे? एक नहीं, दो बहुत जल्द आजादी हमारा मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। देशों पर राज करना और पूरे उस एम्पायर को बनाकर रखना 600 से 700 साल, ये किसी के बस की बात नहीं। बस वही दुनिया वापसी से तहा लिखी थी हमारी किस्मत ड्रामा के अंदर दिखाई, और लगता है कि अपने ही महल में अपनों के हाथों मारे जाएंगे। आखिरी सांस तक तुम दोनों को कोई जरूर नहीं पहुँचने दूंगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी प्रकार के मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में जुड़े रहिए।